इस वक्त हम सोलन के लवी घाट में हैं और लवी घाट में एक बहुत बड़ी जो घटना है यहाँ पर घटी है। हालांकि इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनको हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको पहले यहाँ की जो दृश्य है वो दिखाते हैं। दृश्य देखकर ही आप समझ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये लेंटर है और लेंटर तोड़कर एक बहुत बड़ा पत्थर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर भी लेंटर है, यानी कि दो लेंटर को चीरता हुआ जो एक बड़ा पत्थर है वो गिरा और गिरने के बाद पहले उसने एक लेंटर को तोड़ा, फिर उसके बाद में दूसरे लेंटर को तोड़ा और दूसरे लेंटर का हाल आप जो देख सकते हैं वो है। और उसके साथ में ही ये घर देख रहे हैं और दरवाज़ा है, दरवाज़ा पूरी तरह से टूट चुका है और जो इसके ऊपर बीम था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हुआ है। बीम में भी आप देख सकते हैं मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है और बीम ऐसे लग रहा है कि जैसे कागज़ का बना हो और इतना भारी पत्थर है वो इस वक्त इसके ऊपर मौजूद है। और ये सारी की सारी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सभी टूट चुके हैं। और हालांकि ये इससे ऊपर एक मंजिल और है और उस मंजिल से को चीरता हुआ ये जो पत्थर है वो नीचे आया है। और भी बहुत ज़्यादा नुकसान ऊपर हुआ है, पानी की टंकियाँ ऊपर पड़ी हुई थी, दूसरी उनको भी तोड़ता हुआ ये नीचे पहुंचा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम पता करेंगे कि क्या जो वजह है वो रह सकती है। लेकिन फिलहाल इस घर में सुखद बात यह है कि यहाँ पर ये किराए पर चढ़ी हुई थी और इसमें किराएदार रहते थे और जो किराएदार है लकीली यहाँ से गए हुए थे। अगर वो इसके अंदर होते तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वो यहाँ से किसी ज़रूरी काम से गए थे। अब हम आपको ले चलते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में जहाँ पर ये घटना हुई है। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इससे ऊपर जिस लेंटर में है हम वो पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो लेंटर है उसके ऊपर का जो आपको देख रहे होंगे जो लेंटर है वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस घर के अंदर भी जो किराएदार है वो रहते थे और वो भी यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि इसमें कोई जान की नुकसान नहीं हुई है। और अभी इससे ऊपर चलते हैं और असल में बताते हैं कि इसके कारण क्या रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम टॉप स्टोरी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये लेंटर है और लेंटर को जो तोड़कर है वो पत्थर इसके अंदर गया है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पत्थर है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाना चाहूँगा कि जो पत्थर है जो यहाँ से नीचे गया और उसके बाद में गिरा है। आप देख सकते हैं पत्थर का कितना बड़ा पत्थर है। यही वजह है कि जब पहले इसने ऊपर वाला लेंटर तोड़ा उसके बाद में इसने निचले वाला लेंटर तोड़ा और लेंटर तोड़कर ये नीचे तक पहुंच गया। भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सुखद बात यह है कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ये पत्थर आया कहाँ से। ये पत्थर आया है ऊपर पहाड़ से, जो आप देख सकते हैं ये पहाड़ आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो बिल्कुल टॉप पर। अगर आप क्लोज करके इसको दिखाएंगे कि यहाँ पर जहाँ से पत्थर आ रहे हैं और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके साथ में ही रेते की खान है और रेते की खान है वो चल रही है। और यही वजह है कि जब रेते की खान यहाँ पर चल रही थी, हालांकि अभी कुछ समय से वो बंद पड़ी थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो दूसरी तरफ है इससे थोड़ी सी और दूर वहाँ पर अभी भी रेते की खान चल रही है और वहाँ पर जो मशीन्स हैं वो लगाई जाती हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन की वजह से जो टिके हुए पत्थर हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं। अब जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिसका ये भवन है, आप उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या घटना हुई, कितने बजे हुई और क्या कहेंगे आप इस बारे में। जी, हम तो जी खाना खुना खा के सो गए। मेरा नाम निखिल गुप्ता है और हम बस रात को हमने डिनर डिनर किया तो हम सो रहे थे और रात को करीब 12:50 पे धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। उसको हमने इग्नोर किया कि क्या आपका बारिश वगैरह हो रही हुई, क्योंकि रात को बाहर तो निकले नहीं हम। उसके बाद जब ये वाले इस वाले लेंटर पे जब पत्थर आया ना, बड़े वाला है,
उसके बाद फिर मेरी नींद खुली, फिर मेरे मम्मी भी जगी, फिर बहन भी जगी, फिर हमने बोला कि हम बाहर निकलते, फिर हम पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकले, फिर हमने और पड़ोसियों को भी जगाया और चलती रही ये खान 12:50 से लेकर 3-4 बजे तक चलती रही ये खान, धीरे धीरे चलती ही रही। अभी आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर भी एक पत्थर अटका हुआ है, इतना ही बड़ा पत्थर है, अगर ये नीचे आता तो ये पता नहीं क्या करता, ये तो भगवान की माया है कि हम बच गए। पर इससे पहले भी इस तरह का घटना हुई है? हाँ जी हाँ जी, पहले भी 1-1.5 साल पहले आई थी जी ये खान, तब भी यहाँ पे लेंटर फटे थे, किराएदार रहते थे यहाँ पे, पर उस टाइम भी वो भी बच गए और हम भी बच गए भगवान की कृपा से। अभी ये गए हुए छुट्टियों पे, बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती है और सरकारी छुट्टी भी हो जाती है, तो बेड वगैरह तो सारे उनके चारों के अलमारी सब कुछ ख़त्म। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या वजह मानते हैं कि ये जो पत्थर है ऊपर से आए हैं पहाड़ से? वजह तो जी सेम ही है जो पहले थी, वही वजह है, क्योंकि ये टिका तभी हुआ था, ये उसी चीज़ वही चीज़ टिकी हुई थी। इसको हमारे को बोला गया था कि हम डंगे लगाएंगे, हम फलाना लगाएंगे, हम ढिकाना लगाएंगे, पर यहाँ पे कुछ ऐसा किया नहीं गया, और उसके बाद अब ये इसने रूप लिया है ये वाला, तो आपके सामने आप कैमरे में दिखा सकते हैं। तो खान इसकी वजह मान सकते हैं कि जी क्या वजह है खान जी? ये जो पहाड़ है ना जी, ये पहले रुक गया था, ये अपने आप ही रुक गया था, इसको किसी ने रोका नहीं या फिर किसी ने यहाँ पे मशीन वगैरह नहीं लगाई कि इसको रोका जाए, ये ऐसे ही था। यहाँ पे इन्होंने एक गड्ढा किया था, वो भी एक गड्ढा पूरा भर गया हुआ है कि हाँ भाई नीचे पत्थर नहीं आएंगे, तो अब जब ये गिर रहा है तो यहाँ पे पत्थर कैसे आ गए? यहाँ पे गड्ढा हुआ था, बेशक गड्ढा किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे वो लगाएंगे डंगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। तो क्या इसकी छेड़छाड़ की जा रही थी अभी भी? अभी तो सर इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, अभी तो ये रुका हुआ था, पर जो इसकी पिछली साइड है ना जहाँ पे रेते की खान चल रही है, वहाँ पे तो चल ही रही है, वहाँ पे मशीन्स वगैरह लगी हुई है, उसकी वाइब्रेशन से क्या पता ये आया हो, पर बाकी प्रशासन देखिए अब। चलिए और से भी यहाँ पर बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि महिला भी हमारे साथ में है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? नर्मदा गुप्ता। क्या दिक्कत परेशानी आई है, क्या हुआ है? दिक्कत तो सर क्या, ये पहले भी ऐसा हो चुका है, तभी इनकी यही खान वालों ने कहा था कि कोई बात नहीं डंगा डुंगा लगाएंगे, जो भी बेटा ने कहा, तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है मैम की, अब फिर कल ये घटना फिर घटी, हम तीनों ही थे यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं इसमें, अब प्रशासन इसके वो करे और कुछ जो खान वाले वो भी ध्यान दे, अभी तो ये चलो काफ़ी पत्थर हैं जो रुके पड़े हैं, अभी ऐसा है चलो नुकसान नहीं हुआ, हमारे किराएदार हैं वो भी अभी छुट्टियों पे घर गए हुए हैं, देख सकते हैं आप नीचे तक कितना नुकसान हुआ, हमारी तो जान बची है, और अब हम 1:49 पे हम यहाँ से भागे हैं रात में। जब कोई अपना घर बनाता है वो घर इसलिए बनाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों ने जो अपने घर बनाए हैं वो अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? क्या बताएं सर, ये तो जो अब घटना ऐसी घट रही है, तो अब हमारे को तो यहाँ रहने को भी मन नहीं हो रहा, जिस तरह से आपदा आ रही है बार बार, और ये कुछ प्रशासन भी कुछ नहीं ले रहे, और जिनकी ये खान चल रही है उन्होंने भी कुछ इसमें ध्यान नहीं दिया, अभी तक कोई आया भी नहीं है हमारे पास कि ये क्या हुआ क्या नहीं, जबकि हमने खुद पड़ोसियों को जगाया कि ये घटना हो गई है। तो आपने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया है, कुछ अधिकारियों को बताया है, कोई शिकायत की हो या प्रधान को बताया है, कोई मौके पे पहुँचे हैं? सर अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन फ़ोन तो किया था हमने जी। क्या चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए? वो आए मौके पे, देखे ये क्या हुआ है, कैसे क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन भी आए देखे, प्रधान जी आए, मेंबर जो हैं सारा सब देखे। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि पहले भी इस तरह की जो घटना है वो हो चुकी है। सर ऐसा है, ये खान लगभग पिछले 20 से 25 सालों से चली हुई थी यहाँ पे, तो बीच में बंद हो जाती थी फिर शुरू हो जाती थी, तो आज से लगभग 20-25 साल पहले 1997 में तो यहाँ पे पत्थर गिरे थे, तो यहाँ पे पहले भी नुकसान निचली साइड हुआ था, लेंटर के टूटे थे लोगों के, उसके बाद 2 साल पहले दोबारा खान गिरी यहाँ से और लोगों का नुकसान हुआ, तो यहाँ पर इनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, इन्होंने लेंटर लुंटर डाल के दिए इनको, और इनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था डंगा लगाएंगे हम यहाँ पर और डंगे से ये पत्थर रुकेंगे और दोबारा चीज़ें नहीं होगी, पर ये दोबारा चीज़ें चल पड़ी, क्योंकि तो प्रकृति की चीज़ है, कभी कुछ नुकसान हो सकता है, और बेसिकली यहाँ पे इस रूम में लोग रहते थे,
तो लोग अभी बच आप उनका सौभाग्य किस्मत की बात कहो कि वो नीचे गए हुए थे, वो यहाँ पे थे नहीं। अगर उस रूम में होते तो इसमें कैजुअलिटी भी हो सकती थी, 3-4 लोगों की डेथ भी हो सकती थी। तो ये खान तो कंटिन्यू आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये तो पूरे मतलब आप एरी की बात करो, यहाँ से लेकर पूरे लावी घाट तक खतरा है इसका, ये पहाड़ कभी भी और भी नीचे आ सकते हैं। तो इसमें आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या, क्योंकि ये अभी जो पत्थर है अभी और भी गिर सकते हैं और खतरा लगातार बना हुआ है, इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से लोग हैं अपना घर बनाते हैं और घर में ही वो सुरक्षित महसूस नहीं करें तो दिक्कत परेशानी वाली बात है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर जो है घर बनाया जाता है। क्या कहेंगे आप? हाँ, इन्होंने देखो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई इधर लगा दी है और सभी लोगों की यहाँ कमाइयाँ लगी हैं, तो लोगों ने पाई पाई जोड़ के पैसा लुके मकान बनाए हैं। और अगर ये नुकसान कंटिन्यू रहता है तो ये लोग तो बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से इसमें। दूसरा, हम तो ये चाहते हैं भी प्रशासन इसमें कार्रवाई करे और जिसमें इससे संबंधित जो खाने चल रही है इधर आसपास चल रही है वो बंद करवाई जाए और इसके लिए कुछ सुविधा की जाए भी, उसमें कुछ ऊपर डंगे लगाए जाएँ जो उन्होंने कमिटमेंट की थी पहले वो पूरे किए जाएँ और डंगे लगाए जाएँ, मैदान बनाया जाए ताकि पत्थर आने नीचे आने से रुके और उनका नुकसान रुके यहाँ पर। तो आपने यहाँ बोली जो अभी ये नुकसान हुआ है इनका, तो इसका उनको कुछ मुआवजा दिलाया जाए, उनकी भरपाई कराई जाए और जो इसमें संबंधित आदमी हैं जो इसमें खाने चला रहे हैं या कैसे उनको परमिशन दी गई, किस तरह से खाने चल रही हैं, उसकी जांच की जाए, उनको कार्रवाई की जाए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा गांव है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो सबके लिए खतरा बना हुआ है। क्योंकि ये तो अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर सबकी जान को खतरा है। पहले भी आई थी तो पूरे लावी घाट खेत लोगों को नीचे यहाँ घर को सड़क को चीरते हुए गए थे पत्थर, तो लोगों की जान को खतरा है। तो हमारी तरफ से तो यही है कि इसको ठीक करो, इसको बंद करो, क्योंकि अगर ऐसे अभी पूरा पहाड़ है, अभी कभी भी आ सकता है, लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाएँ हम छोड़ के, पूरा पहाड़ है ये, आएगा तो ख़त्म है पूरी बिल्डिंग, हम कहाँ जाएँगे। हाँ, हमारी पूरी कमाइयाँ लगी हुई, अब जितना नुकसान हुआ है उसकी हमारे को भरपाई चाहिए। हमारा देखो बेड पूरा ख़त्म है, अलमारी पूरी ख़त्म है, अगर यहाँ पे रह रहे होते वो लोग तो कोई भी नहीं बचना था इसमें। हम खुद इतनी मुश्किल से बच के भाग गए हैं, रात को इधर को आ रहे थे तो इधर से पत्थर गिर रहे थे, पत्थर देखे तो यहाँ से भाग गए, यहाँ से ग्रिल से भाग गए, हम कहीं सीढ़ियों से नहीं भागे हैं। और हमारे पिताजी खुद हैंडीकैप्ड हैं, अगर वो होते यहाँ पे तो कैसे ले जाते हम उनको, उनसे तो भागे भी नहीं जाना था, यहाँ से दूसरों की सीढ़ियों से भाग गए, इनके लैंडर पे भी पत्थर गिरा है, नीचे खड्डा हो गया। तो ये तो भाई हमारे को ठीक नहीं लग रहा, और कोई भी अभी तक देखने आया भी नहीं है, जिनकी ये खान है उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ कैसा हुआ है। हम फोन करके सबको बुला रहे हैं कि देखो हम प्रॉब्लम में, पर कोई नहीं आया अभी तक। जैसे ये भी बोला जा रहा है कि खान है, खान काफ़ी टाइम से बंद है, उन्होंने छेड़ा भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कैसे बोल सकते हैं कि गलती उनकी है और उन्हीं की वजह से ये हुआ है? सर, अपने आप तो नहीं आएगी ना, जब हम किसी चीज़ को छेड़ेंगे, लगातार छेड़ते रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वो नीचे से आप खोते जाएंगे तो ऊपर से तो आएगा ही आएगा पहाड़। जब उनको पहले ये इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि पहले भी आया था, तो उनको बंद कर देना चाहिए था। इतने लोग हैं, क्या किसी की जान की कोई वो ही नहीं है, मोल ही नहीं है किसी के जीवन का? क्या अगर किसी की जान को खतरा हो जाएगा फिर बंद करेंगे ये लोग क्या? अगर हम तीनों में से किसी को कुछ हो जाता, अगर ये भगवान की मेहर है हमारे ऊपर कि ये पत्थर यहाँ से यहाँ नहीं आया, अगर यहाँ आता तो हम तो ख़त्म थे तीनों के तीनों। और ये भी भगवान की कृपा है कि हम अलग अलग किसी रूम में नहीं सो रहे थे, पापा नहीं थे हमारे घर से बाहर गए हुए थे पापा और भाई, तो हम तीनों एक साथ सो गए। अगर अलग अलग रूम में होते तो क्या होता, अगर हम यहाँ होते तो क्या होता, इसलिए ठीक नहीं है ये। हमें सारा मुआवजा चाहिए और सारी भरपाई चाहिए, और जो भी नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जाए और इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये तो आप खुद देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ है, हम कैसे रोकेंगे इसको? हमारे को तो बोल रहे हैं कि निकलो, हम कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ, हम तो अब यहीं रहेंगे, अब देखेंगे अब क्या होता है। दिन में मंदिर है यहाँ पे, वहाँ बैठते हैं जाके अब, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा देखने के लिए। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो पत्थर है ऊपर से आ गया है, और जो ये लेंटर है आप लेंटर भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हुआ है, और एक बहुत भारी भरकम पता नहीं कितने क्विंटल का वो जो पत्थर है वो होगा, ये ऊपर से नीचे गिर चुका है, और भी पत्थर है लगातार वो आ सकते हैं क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और अगर वो अचानक से आ जाते हैं तो ये समझिए कि जो लेंटर के बराबर के जो पत्थर हैं वो ऊपर से आ सकते हैं। और एक नहीं, यहाँ पर कई घर हैं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कि यहाँ पर एक नहीं, 2-3-4 काफ़ी घर यहाँ पर हैं, और साथ में ही नीचे सड़क है, सड़क से वाहन भी गुजरते हैं, और अगर ये पत्थर आते हैं ये घर के ऊपर से होते हुए सड़क पे भी जा सकते हैं और आने जाने वाले वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। और
जो सभी की जो जान है वो यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। और ये जो गांव वासी है वो यही आग्रह कर रहे हैं कि कृपया जो ये जो पहाड़ है जो ऊपर से हिल चुका है इसका कुछ बंदोबस्त करें, क्योंकि इन्हें ये बोला गया था कि जो इस घर के साथ में ही है एक बहुत बड़ा जो है डंगा लगा कर देंगे, दीवार लगा कर देंगे, ताकि वो जो पत्थर है ऊपर से आते हुए वहाँ पर रुक जाए। पर लेकिन किसी भी तरह की जो कार्रवाई है यहाँ पर अमल में नहीं लाई गई है। पहले भी इस तरह की घटनाएँ हो चुकी है, पर लेकिन सुखद बात यह है कि उसमें भी किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जानी नुकसान कब तक टाला जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसमें प्रशासन को है जो सख्त कदम है वो उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है, और अगर समय पर भी जो प्रशासन है वो नहीं जागा तो एक बहुत बड़ी घटना भविष्य के जो गर्भ में छुपी हुई है। अब देखना यही होगा कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी है वो सुरक्षित रहे। सर पहले तो अपना नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए और आपके एरिया में क्या हुआ। देखिए मेरा नाम मदन ठाकुर है और मैं इस पंचायत से उप प्रधान हूँ। जी यहाँ पर क्या घटना हुई है और इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरी बार ये स्लाइड हुआ है, शायद 2 साल पहले भी यहाँ पे स्लाइड हुआ था और पत्थर आए थे और यही छत टूटी थी और उस ये 2-3 छतें यहाँ पे टूटी थी। तो इन्होंने कुछ आपस में मैनेज कर दिया था, आपस में कोई इनका समझौता हुआ था वो इनको ही पता होगा। और आज ये दोबारा से आज जो 2-3 मंजिलें यहाँ टूटी है ये दोबारा से ऊपर से पहाड़ दड़का है और पहाड़ सीधा अंदर गया है। जान मान का हानि नहीं हुई है, इसलिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं भाई। ये कुदरती है। देखिए वजह तो माइनिंग ही है, जो सामने दिख रहा है वजह इसकी मेन तो माइनिंग ही है। जो माइनिंग हुई है उस वजह से ये पहाड़ दड़का है, ये तो नेचर है। आज जो बारिश हुई है तो नेचर की वजह से जब नीचे से खोखले कर दिए गए हैं पहाड़ तो इसने तो नीचे गिरना ही था। रेजिडेंशियल एरिया में जो खान है वो चल रही है और पिछले काफ़ी वर्षों से चल रही है, तो पंचायत द्वारा इनको NOC क्यों प्रदान किया गया। देखिए पंचायत द्वारा इनको NOC नहीं दी जाती है, ये उच्च अधिकारियों द्वारा ही इनको NOC दी जाती है और ये सारे ऊपर से ही जो भी होते हैं इनकी परमिशन वगैरह, ये माइनिंग और जिलाधीश और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व वहीं से कहीं से होती है, पंचायत स्तर पर ये नहीं आते हैं। तो आपने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसके ग्रीवेंसीज के माध्यम से भी आवाज़ उठाई है और ये सामने जो मैंने पहले सभी एक आगाह किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई आपके जो ये पहाड़ है इनके साथ जो इसको बायलॉज वो किया जाए, तो माइनिंग वालों ने एक स्ट्रिक्ट जवाब दिया था भी बायलॉज के आधार पर ही ये हो रहा है। तो बायलॉज जो है मैंने इसको पढ़ा है भी इसके 5 मीटर के बाद 5-10 मीटर का स्टेप वाइज होती है, तो स्टेप वाइज कहाँ, यहाँ तो 100-100 मीटर स्ट्रेट हाइट कटिंग करके देख रहे हैं आप चारों तरफ, मिसाल देखो यहाँ, देखो यहाँ तो 100-200 मीटर की स्ट्रेट हाइटें पड़ी है और पहाड़ का गिरना तो ये तो नेचर है, इन्होंने तो गिरना ही है जब नीचे से खोखले कर दिए जाएंगे। तो अब पंचायत क्या कार्रवाई। देखिए पंचायत तो हम जिलाधीश महोदय को इसकी सूचना से अवगत कराएंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर पाएगा, हमारे अंतर्गत इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, ना हमारे पास कोई मौके का क्लेम देने के लिए कोई व्यवस्था है, हम जिलाधीश महोदय के पास इसको रखेंगे ले जाके। तो आपके हिसाब से रेजिडेंशियल एरिया में चलना चाहिए ऐसे खाने। देखिए रेजिडेंशियल एरिया में तो मतलब ही नहीं बनता है, रेजिडेंशियल एरिया में एक तरफ तो आप रेजिडेंशियल एरिया बोल रहे ऊपर से माइनिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो होनी है, माइनिंग की परमिशन जो है वो सोच समझ के देनी चाहिए। जो भी इसको अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें इतनी की समझ तो होनी चाहिए भी इसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे। परिणाम तो यही होंगे, जब पहाड़ नीचे से खोखले कर दिए जाएंगे तो परिणाम ये सामने है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम इसके बारे में जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और उनका क्या कहना है और वो यहाँ पर विजिट पर आए और यहाँ पर देखें, मुआयना करें और जो भी सुरक्षा के जो कदम हैं वो उठाएं, हम ये प्रयास ज़रूर करेंगे। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।